और तिकीलकम। मार्कंडे जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्घ चंद्र का मुकुट दान करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, सप्तसती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तसती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चारण आदि क्रम सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल ही सप्तसती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनके स्तुति मात्र से ही सच्चानंद स्वरूप नि देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती।